नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 2 के सभासद प्रतिनिधि से और जानेंगे उनसे कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं लोगों ने वो कितने सत्य हैं और कितने असत्य हैं, और ये भी जानेंगे कि 5 साल के कार्यकाल में कितना काम उन्होंने किया है और कितना बाकी रह गया है। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल। सर नमस्कार। पहला सवाल मैं आपसे ये लूँगा कि आपके 5 साल के कार्यकाल में कितना काम हुआ? सर 5 साल के कार्यकाल में जो भी चेयरमैन द्वारा काम करा गया, सब चेयरमैन निधि द्वारा काम करा गया, वो पैसा जो भी था उनके उसमें आया। हमने यहाँ से सिविल लाइन आजाद स्कूल से लेकर यहाँ तक अपने मोहनतला तक करवाई अपने वार्ड के अंदर, प्लस 5-6 गलियाँ पड़वाई हैं। कुछ ऐसे भी ठेके हैं आज भी जो हुए हुए हैं, टेंडर हुए हुए हैं ठेकेदार के नाम में, पर वो डालने को मंजूर नहीं है। राज्य वित्त का काम है, वो कह रहे हैं नगर पालिका से पैसा नहीं मिल पाएगा। प्लस हर थम्बे पर लाइट का काम करवाया और कोई भी 1 रुपया कोई हमें बता देगा हमने 1 रुपया खाया है, वो तो चेयरमैन साहब के खाते में आता, हमसे कोई मतलब ही नहीं बनता उसमें। जो भी पैसा मिलता नगर पालिका, वो ठेकेदार को डायरेक्ट मिलता, हमसे क्या मतलब उसमें। ये तो खाली दूसरा सवाल आपसे ये लूँगा कि कितना काम बाकी रह गया होगा आपके वार्ड? सर वार्ड में तो काफ़ी काम बाकी रह गया, काम तो कितने बजे वालों कमी कम पड़ता किसी भी उससे हो गए, पर ये है 2-4 गली और ऐसी हैं जो कच्ची हैं बिल्कुल, वो मेन है बिल्कुल जो डलनी है। वो आने वाले समय में अगर ऊपर वाले ने इज्जत रखी, भगवान ने चाहा तो वो भी कराएंगे। अच्छा भैया एक सवाल मैं आपसे ये लूँगा कि आपके ऊपर आरोप लगाया है, सामने गली है मंदिर और मस्जिद वाले जी, वो रोड है, मेन रोड है, उसमें पानी खड़ा हो जाता है और बरसात में वहाँ से निकलना दूभर हो जाता है, प्रार्थना करने में लोगों को परेशानी होती है मंदिर तक और मस्जिद तक जाने में, इस पर क्या कहेंगे आप जो आरोप आप पर लगा? वो जो है पब्लिक ने खुद रुकवा दी, वो कह रहे हैं डूडा से हमारी पास हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि नगर पालिका द्वारा नहीं हो गए, और जिन्होंने बोला है वो यहाँ पर मौजूद हैं लोग। तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि नगर निकाय चुनाव करीब हैं, दिसंबर माह में चुनाव होने की संभावना है जी, कैसी तैयारियां हैं, क्या मुद्दे लोग जनता के बीच लेकर जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मुद्दे क्या यहाँ पे जनता के बीच में तो बस ये कहना भैया अगर हमने कुछ करा है तो हम आपके सामने हाजिर हैं, पर हाजिर तो हमें होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने गलत काम कोई करे नहीं है। चुनाव लड़ेंगे आगे कोई नहीं? लड़ेंगे जी, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तैयारियाँ हैं? बिल्कुल तैयारियाँ, पक्के तैयार हैं। क्या नाम है? नितिन कुमार। तो ये थे वार्ड नंबर 2 के सभासद प्रतिनिधि नितिन कुमार, जो कि बता रहे थे कि जो आरोप लगे हैं वो वहाँ के लोगों ने बेबुनियाद लगाए हैं और लगातार लोग वार्ड में लगातार काम कराया है और लोगों का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। ये वार्ड नंबर 2 के सभासद प्रतिनिधि थे और जो बता रहे थे अपने आरोपों को निराधार बता रहे थे और आगे को चुनाव लड़ेंगे और अगर जनता जिताती है तो जो काम बाकी रह गए हैं वो कराएंगे। मैं था फिरोज अली, जो आपको दिखा रहा था वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रतिनिधि से जो आरोप लगे हैं उनके बारे में। अगले वार्ड में चलते हैं, वहाँ जानते हैं सभासद से कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कितने सत्य हैं कितने असत्य हैं। चलिए चलते हैं वार्ड नंबर 3 में और जानते हैं वहाँ के सभासद से कि उनके आरोप कैसे हैं, कितने सत्य हैं और कितने गलत हैं। जब तक देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।